हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये है मेरा, जहाँ पे सारा मैंने अपने मेकअप वाला सामान रख दिया था। ऐसी जल्दी जल्दी मैं रख दी थी ना, तो कुछ बिछाई भी नहीं थी और सारा सामान इधर उधर सब कुछ मतलब मैं ऐसे ही टाइप का रखा हुआ था। और आप लोगों को क्या, मेरा घर भी दिखाना है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इन सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, हटा लेती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया नहीं था कि सारी चीज़ें अभी मेरी उतनी अच्छे से नहीं हुई हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो एक एक करके सब कुछ मैं अपना सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने हल्का सा ऐसे पेपर डाल दिया था और ये है मेरी मैट जो मैंने रूम में बिछाई थी ना, वही बची हुई थी साइड से, तो मैंने कहा चलो इसको लगा देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। ये देखिए, पहले तो मैंने नाप लिया है दोनों साइड से। अब इसको मैं क्या करूँगी, कैंची से कट कर लूँगी। ये अलमारी जो बनी है ना, पता नहीं कैसे थोड़ी सी मतलब तिरछे में है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके से तिरछे में काटने की कोशिश कर रही थी, बट उस हिसाब से नहीं हो पाया। फिर भी चलो ठीक है, जैसा भी है ऐसी लगा दे रही हूँ टेम्परेली, और इसको गोंद से मैं चिपका दे रही हूँ। और बाबू आप देख सकते हो कितनी मस्ती कर रही, मेरा पर्स वर्स लिए। और आपने एक चीज़ शायद नहीं नोटिस की होगी, ये ली है मास्क। मास्क को पहले मुंह में लगाइए और फिर नीचे देखिए कैसे पहनी हुई है। हंसी आ रही थी मुझे। ये वाली क्लिप हो सकता है कुछ लोग बैड कमेंट करें, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी कार्टूनियत, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ इसकी हरकतें है ना, कैसे कैसे करती है। और ये लगे हैं प्रेस करने में, आ बेटा प्रेस करने में लगे हुए हैं, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये मौके पे चौका मारना नहीं छोड़ती हैं, पाउडर वगैरह जो निकला हुआ था ना, वो सारी चीज़ें निकाल निकाल के लगा रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान तो उधर था। और ये वाली जो हरकत इनकी थी ना, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जब मैंने देखी। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बिछा दिया, अभी अच्छे से नहीं बिछा है जैसे बना मेरे से। और पूरा मेरा सामान यहाँ पे ये देखिए पड़ा हुआ है, सब कुछ इनको सेट करना है। और ये लगे हुए हैं कहाँ, प्रेस करने में, और सुबह से ही लगे हैं है ना, सुबह से लगे हैं ना। क्यों सुबह सुबह 10 बजे से? ये ना बता दो कि 5 ही बजे से लगे हो। हाँ 5 बजे से लगे हो, बोल दो सबसे अच्छा। बाबू किससे बात कर रही हो? बाबू नाना पाचा है। बोलना 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 नहीं है इनको। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं, फिर आप लोग उससे थोड़ी देर से मिलते हैं, ठीक है? ओ गाइस, ये देखिए कैसा लग रहा, बताइएगा ज़रूर। और अभी हम चल रहे हैं बाबू के बर्थडे के लिए कुछ कटिंग करने, वो भी आप लोग देख लीजिए और बताइएगा कैसा लगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरी बेटी का भी बर्थडे आ रहा है, तो हमने वो ऑर्डर किया था, वो जो नहीं होता है हैप्पी बर्थडे वाला, वो किस में होता है यार, मुझे उतना क्लियर नहीं पता है। वो सर एक साइनिंग वाली पन्नी आती है, वो होता है, वो बैलून्स नहीं होते हैं। तो उसमें अब मुझे चाहिए था ज्योति का नाम, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ ज्योति का लिखकर थर्माकोल पर। तो बस मैंने कहा इसी तरीके से चलिए, पहले तो मैंने उसे एक ड्रॉ किया मतलब कि स्केच से, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कट कर ले रही हूँ। और सभी को कट करना है, सोच रही हूँ कि अगर ज्योति का पूरा हो जाए तो इसके साथ ही साथ मैं 2020 भी यानी 2020 भी लिख दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से सब कुछ मैं बना रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, लगभग 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि कटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनल जब हो जाएगा तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम कलर भी कर लेंगे, और ज्योतिका लिखा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जब इसके लिए हमने सोचा है कुछ, हम इसको डेकोरेट करेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही करके रख दे रहे फिलहाल, क्योंकि हिम्मत नहीं है। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, तब तक के लिए क्या समझ जाइए। फैलाए हम ही हैं, ये केवल आगे चटक देती हैं, हमने फैला के सब सुखवा दिया है। तो धोले भी नहीं है? नहीं धोले तो हम नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता क्या? तो धोले भी है ना, ये भी बता दो। क्यों ये नहीं बताओगे? जानते हो वो ले आओ तो ये वाला पेड़ से पूरा बता दे, बहुत निकलते हैं तो इसको हम अलग कर देते हैं। वो पानी लाए उड़ लाए नहीं रहे, ले आएंगे वो आगे होगा, लाएंगे सब गीला होगा, सब गीले हैं, ये सूखा होगा लाल वाला, ये सूख गया है सारी, ये सब गई होगी। चलो हाँ लाल वाला हमको दे दो, चलो आगे आगे दो। सारे
पानी भी धुले हैं। कहे लिए उसमें रखूं? उसमें तय करूंगी तो है, वैसे भी तय करना है। हाँ तय करो, इसमें कोई सामान नहीं रहना चाहिए। देखिए सारे कपड़े उतार कर ले आई हूँ मैं, और बक्से पे मुझे नहीं रखने दिए हैं, मेरा रखवाए हैं सोफे पे। तुम पहले ये बताओ, मेरा तो सोफे पे बोल दिए, और अपनी शर्ट वगैरह क्यों रख दिए बक्से पे? क्या करने? आज ये सारे कपड़े प्रेस करने पे लगे पड़े हैं। आज सुबह से सारा दिन का काम इनका यही रह गया है, और आज मैंने अपना ये जो किया ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये लगा दी पन्नी, ये वाली मैटी वाली, कितनी अच्छी लग रही है ना, कितने अच्छे से सज गया है। और इसमें मैंने रख दिए हैं अपने पेन वगैरह रख दिए हैं, लाइनर वाइनर है, सारी चीज़ें जो इमरजेंसी में मिल जाए, क्योंकि एंड टाइम पे नहीं मिलता। और ये तुम्हारा मच्छरदानी, मच्छर मारने वाला टांग दी, जब देखो मेरे इसी पे जमा देते हैं। बाबू का कपड़ा क्यों निकाल लियो? ये देखिए आज सफाई अभियान, जब मैं रखती हूँ ना, दूसरे दिन सही करके रखूंगी, तीसरे दिन आपको कभी अलमारी सही नहीं मिलेगी। और आज खुद से कर रहे हैं, तब समझ में आएगा, है ना? तो चलो अपनी साफ सफाई खुद से कर लो, आज समझ में आएगा। यार मंगलसूत्र पहने नहीं हूँ, खाली खाली लग रहा है, पहन लेती हूँ। मेरा पर्स दे दो, उसमें कल पहना था मैंने दूसरा, तो निकाल दी हूँ, और गला देखिए कैसा लग रहा मंगलसूत्र, मुझे ध्यान ही नहीं था। हटा दो, पोछा बना लो। चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं, ठीक है? तब गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4, और अब थकावट देखी चेहरे की, हालत ख़राब हो गई आज काम कर करके। और ये चले गए हैं किचन में, मुझे नहीं पता कि चाय बना रहे हैं, जब खट 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 की आवाज़ आ रही थी ना, जब मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ गौचाला कर रहे हैं। क्या करो, चाय बनाने लगे थे। चाय बन रही है। खट 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 कर रहे थे ना, मुझे लगा कि चाय बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दे जब तक ये निकल ही आए। क्यों हैं? चाय बनाने लगे थे ये, हमसे बोले कि जा रहे खाना खाने, खाना खाने गए थे तुम तो। उनको चाय पीने की तलब लगी थी, तो हमने सोचा चाय बना दे। मैंने कहा जा रहे चाय बनाने, इन्होंने बोला खाना खाना, मैंने कहा नहीं, फिर ये चाय ही बनाने लगे। तो और क्या बना रहे, उसको रख दो, अभी रखना है मुझे, सब वहां मत रखो, गुआ सा चाय बनाए, बुला रहे, जला रहे हो, इतनी तेज गैस करे हो। यार देखो अब चाय जल जाएगी, थोड़ी सी चाय है, साफ सफाई अभियान है, साफ सफाई अभियान। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर से आप लोगों से, ठीक है? भाई सी देखिए खांसी आ गई, हमने बनाई है क्या दिखाते हैं आपको, मैगी ये देखिए, और ये है बाबू का दूध, बाबू सो चुकी है, ये इनकी प्लेट है क्योंकि इनको ठंडा होने में प्रॉब्लम होती है, और ये मेरी प्लेट है छोटी वाली। तो बस हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, टाइम हो रहे हैं कितने आप देखिए, 9:15 मिनट में मैंने मैगी बनाई है, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह डाल के, क्योंकि इनको वही पसंद है। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं था, कल से इतना ज़्यादा खा रही हूँ, खा खा के ऑयली चीज़ परेशान हो गई, तो मैंने कहा मैगी खा लेते हैं। वैसे तो दाल चावल सोचा था, फिर पहले तो मैं दाल चावल सोच रही थी, फिर बाबू चली गई थी घर, तो मैंने कहा क्या दोनों के लिए बनाए, मैंने इनसे पूछा तो ये बोले मैगी बना लो, है ना? चेहरे से तो नहीं लग रहा कि दूध ठंडा कर, मैगी बना लेते हैं खा लेते हैं। दूध ठंडा कर रहे बाबू के लिए, तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, और अपनी इतनी मैगी दिखाती हूँ कितनी यम्मी और टेस्टी बनी है। आप लोगों को खाना है तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, ठीक है? हम खा के बता देंगे। ये तो खाने में माहिर है, दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी मैगी, और ये बाबू का दूध ये दिखा रहे हैं, क्योंकि बाबू को बॉटल में पीने की आदत है। तो चलिए अब हम फटाफट से खा लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तीखी बनी थी, काफ़ी तीखी, क्योंकि मुझे चटपटा खाने का मन था, और जैसे ही ये खाए ना इनको बहुत ही तीखी लगी। पहले तो मैंने इनसे बोला कि सॉस ले आते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं। फिर इसके बाद पानी मांगे, बोले कि अच्छा पानी दे दो, क्योंकि इनको ज़्यादा तीखा ये नहीं खा पाते, और मुझे बहुत पसंद है तीखा। फिर यहाँ पे इन्होंने पानी पिया, उसके बाद में इनको मतलब नहीं हुआ कि हाँ बहुत तीखा है, तो ये बोले टमाटर सॉस लेके आओ, उससे क्या होता है ना थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो फिर बोले जाओ टमाटर सॉस लेके आओ। और ये टीवी भी देख रहे थे, मुझे टीवी उतना पसंद नहीं है, फिर मैं इनके लिए टमाटर सॉस लेकर आई हूँ, फिर भी इनको बहुत तीखा लग रहा था, और वाकई में तीखा था। जब मुझे तीखा लग रहा था तो इनको तो समझ लो कितना तीखा लग रहा होगा। तो चलिए फटाफट से हम खा लेती हैं, फिर आप लोगों से आराम से मिलकर थोड़ी देर बैठ कर
बात करेंगे, और बाबू तो सो ही चुकी है ना, तो वो मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर से। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है कि कल ब्लॉग का एंड नहीं हो पाया था, हम लोगों ने मैगी खाई और फिर उसके बाद बातचीत में लग गए, और फिर ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ वीडियो का एंड भी करना है, तो इसी वजह से। और तो बस मैंने कहा कि चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं था कि उस वाले ब्लॉग का एंड नहीं हुआ है। हेलो, नहीं हुआ है जी, नमस्ते अंकल जी। तो बस नहीं क्यों, तो बस ब्लॉग का एंड आज यहीं पे करते हैं, और स्टार्ट हो चुका है हमारा दूसरा ब्लॉग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या बाय बाय।